मरियम, जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर था, मैं चाहता हूं कि वो कॉन्फिडेंस तुम यहां भी शो करो। और कभी ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें यहां जॉब पे इसलिए रखा कि तुम्हें कोई तर्ज खाया मैंने, बल्कि तुम टैलेंटेड हो, तुम डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच। कम ऑन यार, कितनी दफा थैंक्स बोलोगी। चलो एक काम करो, तुम मुझे एक दफा लिख कर दे दो। सत्यन को वैसे अभी तक पता नहीं है कि मैं तुम्हारे पास जॉब कर रही हूँ। को पता चलेगा तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करे। तुम उसकी फिक्र मत करो, सत्यन को मैं आराम से बिठाकर समझा दूंगा। अभी वो नहीं समझेगा ना, वो समझने की जगह पर। एक्चुअली वो थोड़ा सा हाइपर है, वो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा है। उसके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये बात उसे नजर नहीं आती। अपनी फैमिली के बहुत सुनता है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि उसका ओवर प्रोटेक्टिव होना उसको कहीं नुकसान न पहुंचाते। तुम्हारी एंड से तो मुझे आइडिया नहीं है कि तुम पर क्या गुजरी है, लेकिन सप्तन के बारे में मैं जानता हूं। वो एक दफा गलती करता है, फिर उसी गलती को सुधारने के लिए कोशिश करता है, फिर बाद में मान भी जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर वो मान गया तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे? मुझे नहीं पता, तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मैं सब भूलकर अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। ये सफर अकेले शुरू किया था शहीर, और मैं इसको अकेले खत्म करना चाहती हूँ। मुझे इसमें सिर्फ तैन का साथ नहीं चाहिए। तुम क्यों मेरा इंतजार करने लगे? हम तुम्हारा मकसद जो पूरा हो गया। सिपहन तुम बैठो। ट्रीट किया इसने मुझे, दिन तो खाया और तुमने उसे जॉब दे दी। सिपहन तुम बैठो, मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुननी चाहिए मुझे। दिल नहीं मेरा तुम्हारा,